छठ पूजा के अवसर पर परसा प्रखंड के अन्याय पंचायत के बिशुनपुर गांव में भोजपुरी नाटक का मंचन किया गया। ई घर ना बटाए नामक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें नाटक के कलाकारों द्वारा आज के सामाजिक घर की परिस्थिति से अवगत कराया, साथ ही समाज में एकजुट परिवार होकर उत्थान करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दीपक कुमार ने कहा कि आज की डिजिटल जमाने में बिहार से नाटक की मंचन विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन बिशुनपुर के युवाओं ने आज भी नाटक खेलने की परंपरा जारी रखा है, जो सराहनीय है। इसके लिए नाटक की समिति समेत ग्रामीणों को बधाई दिया। नाटक में गीत संगीत के माध्यम लोगों को मनोरंजन कराया गया, पूरे रात दर्शक झूमते रहे। वही रूप सज्जा का कार्य पत्रकार सोहन ठाकुर ने किया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों को समिति द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया गया। डी एलिवेन टीवी के लिए परसा से सोहन ठाकुर की रिपोर्ट। ठीक ठाक हो के अपना घर चल गई तबे तो हमारा फुर्सत मिल ए दुनिया में सेवा के बल के और कोनो धर्म नहीं थे। तू अपन सुनाओ तो हार सब ठीक ठाक बानू भगवान का कल तू तो जानते बार जब से तो हार बहुत इस दुनिया से गई तब से हम लैकन खातिर देखो दीनदयाल भाई कबीर दास कहले बा कारण धीरे होत काहे होत अधीर समय आवत तरवर फले केतर सिंचो नीर अर्थात कोनो भी काम अपना समय पर होला। अब देर बा तो तू अपना समय से फल फूल दी उमे तू कतरो पानी पटाई बा तो समय से पहले थोड़े ना फली बाबू जी हमनी के तो हर सेवा में कोनो कभी कहले बानी सा कि तू अपन ये सब तो होके आज करे लगला अभी तो हमने तुम्हें भाई के पढ़े लिखे के समय बा पढ़ लिख के नौकरी करन तो दुनो भाई ओकरा बाद शादी बियाह करन तो हां हां तबले हम घरवारी करें आज 10 साल हो गए अब लागत है कि कोनो घर में आई अपन घर का भाली ठीक है कहो तार अगला साल अपन रामू मैट्रिक पास करी आ हमने के ओकर बियाह कर दिया हम तो एगो लड़कियो देख ले बानी जब हमरा हितवा के पटना में ऑपरेशन में भय रहे न उनकरे लड़की भी आ बड़ा सुशील लड़की भी ठीक है तो तू बात चलावा ओ लक्ष्मी के अपना घर का लक्ष्मी बना ले बेटे तो हम तो हाँ बात तो ये पटले बनी थे आज का तो रामू के माई के मरने के बाद एगो तू ही तो रोल हमारे जिंदगी के गाड़ी यहाँ तक खिंचाई बा अगर तू शादी कहले रहता तो लड़कन से के नाते को चाची तो रही तू ऐसा बात नहीं है दीनदयाल भाई अरे हम तो चाहते रहे कि हमारे माथे में और चोर हो लेकिन ससुरा कौन हो हुए नहीं ना सर तो हम क्या करें तू ठीक है तो तेरा हरी ना आए ये दुनिया पैसा के पुजारी हो गए बा एगो बेटी वाला चलता तो वो हिस्सा लगा के चलता कि वो लड़का के चार बीघा पड़ी कि आठ बीघा पड़ी
पहले शादी में देखल जात रहे कि लड़का कितना वीर बा, कितना सुशील बा, अब तो देखल जाता कि लड़का कितना पैसा कमाता। पहले वर वधु के स्वयंवर होत रहे, अब तो तिलकम्बर होता। घूमले आवल जाओ, ठीक है बात, चलो फरकपुर घूम लिया। Thank you.
कारी जल बा हो राम दोनों भाई फर्स्ट क्लास बानी से चाचा लेकिन भैया के नंबर हमरा से ज्यादा आए बा चाचा। अच्छा तो अपना कॉलेज में लिखावे के होई तू लोगन कहां पढ़ल जा तेरा बबुआ कहां नाम लिखावल जा चाचा इन्हें तो कौनो अच्छा कॉलेज बाना और खास करके नौकरी खातिर पढ़े खातिर तो छपरा या पटना ही ठीक रही। एकदम सही सोचने वाला लोग हमरो ये विचार रहे हैं। अच्छा तू कह दिला कि हमरो ये विचार रहे लेकिन ये रूपे के उस सोचला था कि पटना छपरा पढ़े के खर्चा कहाँ से आई हमें इतना खबर आई के कौन बात बा बाबू जी हमरो ये विचार बा कि सानू पटना चल जा पढ़ाई करे। तू बबुआ हम और बाबू जी दोनों लोग मिल के सामू के खर्चा बढ़ता जो टाइम से भैया नंबर का तो हार जाते आई बा। अरे तोरा का पता बा हमारा बगल में एगो तेज लड़का बैठा रहे ओकरे में से हम देख के लिखले बानी उहे उ नंबर आयल बा उ नंबर कोनो पढ़ाई के नहीं थे। अरे उ नंबर तो चोरी क के लिखल गल देख रहा हूँ भावना के नाम जीवन ना हो कोनो भी फैसला सोच समझ के लेवे के चाहिए। हम सोच लेले बानी चाचा हमनी के खेती बहुत दिन से बंद बा अब बाबूजी हमनी के सेवा बहुत दिन कइलन अब बाबूजी आराम करस आ हम इनकर सेवा करब आ हमही खेती करब आ हमार सामू पटना पढ़ाई करी। लेकिन बेटा इत्याग के रास्ता हो एमे बहुत काटा होला कहीं देखियो ठग घायल होके रुक अचानक ठग मान जाई हो तोहार अब बाबूजी के आशीर्वाद तो उहे दिन काम आई जे दिन हम थाके लागो कहे उदास बारा बाबूजी बेटा आज हमारा आभास होता कि पैसा में भूखे वाला बहुत ताकत होला। बाबू जी हम तो ये जानी ला दुनिया में लोग उतरे के माने ला जे सुख संपत्ति सब त्याग देला ये काहे बाबू जी। एक बात के जवाब हमारे भी लड़के बेटा ये बात के जवाब तो हर बाबू जी का दिया बेटा ये बात के जवाब तो पैसा कौड़ी ये दुनिया समाज के पास नहीं थे। ठीक है ना बेटा कैसा जाओ बाबू हो हरि नारायण तू काले ये लड़का के लेके चल जा सुबेरे पटना और नहीं ये नाम लिखा दी हो और रहे के व्यवस्था करा दो हो। ठीक है बा तो का तू सामू तैयार हो जा बिहान 1 बजे से खाना उना खा के निकल चल जाए ताकि परसों से काम में कोनो दिक्कत ना हो। अच्छा चलत बानी खाली हुआ और सब तो हमारा कोखी में कहा से
तू जन्मल।